अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ अरसान रजा, वेलकम टू माय चैनल किचन वॉक। तो आज जो मैं आपको डिश बनाना सिखाऊंगा वो है चिकन कढ़ाई। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, क्विक रेसिपी है, जल्दी बनेगी और बहुत टेस्टफुल बनेगी। तो चले इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। कढ़ाई मैंने ले ली है, फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा है। अब 1/4 कप मैं इसमें ऑयल डालूँगा। टू टेबल स्पून में इसमें ऐड करूंगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। चार टमाटर मैंने कट किए हैं स्लाइस में, देखें आप, ये इसमें ऐड होंगे। पाँच से दस मिनट तक हम इसको ऐसे पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए, अपना जूस छोड़ दे। देखिए, दस मिनट तक मैंने इसको पकाया है, टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा चिकन। आधा किलो मैंने चिकन लिए, ये चिकन इसमें ऐड कर दूँगा। अब इसको मीडियम फ्लेम पे मैं आधे घंटे तक रखूँगा ताकि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। यानी फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया, आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। आधा घंटा हो चुका है, देखिए चिकन गल चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली क्रश को अच्छे से मिक्स कर लें। देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितना प्यारा कलर आया इसका रेड। ध्यान से आप अपना चमचे को चलाएं ताकि इसकी बोटियां ना टूटें। अब मैं इसमें ऐड करूंगा हरी मिर्चें। 4 से 5 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं, ऐड कर देंगे। एक लेमन ले लिया मैंने, लेमन जूस। अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमारी सिंपल रेड कढ़ाई रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा हरा धनिया इस पर स्प्रिंकल करूँगा इस तरीके से, और अदरक लंबाई में काट लें इसको। देखिए सिंपल रेड चिकन कढ़ाई तैयार। इसको आप नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, दोनों के साथ ये बहुत टेस्टी लगेगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर करें। फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में चटपटी रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।